वैसे आप सब, आज मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि हमारा संविधान कैसे बना और इसे बनाने में किस किस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो इसे बनाने में, जैसे कि कुछ लोगों को पता होगा कि इसे बनाने के लिए हमें, यानी भारत के जो सबसे बड़े संविधान निर्माता थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हमारे संविधान को बनने में टोटल समय कितना लगा था? वो लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं कि इस संविधान की शुरुआत कैसे हुई। एक्चुअल में इसकी शुरुआत हुई थी 1934 में, जब एम एन रॉय ने आइडिया दिया था कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। आइडिया टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, मतलब कि भारत की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जो कि भारत में ही कौन कौन से कानून बनने चाहिए उसके लिए अपना योगदान दें। तो ये जो 1934 में एम एन रॉय ने ये स्टेटमेंट दी थी, मतलब आइडिया दिया था, उसको जो है पंडित नेहरू ने 1935 में अपना लिया था। ठीक है, जब 1935 में अपना लिया तो 1936 में लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का। तो उसमें जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित नेहरू। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पंडित नेहरू ने 1935 में ही ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया बनाया था। तो इसी सेशन में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो है ये ऑफिशियल डिमांड बन गई थी इसकी, कांग्रेस की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम ऑफिशियल डिमांड ऑफ कांग्रेस इन 1936, 1936 में ये ऑफिशियल डिमांड बन गई थी कांग्रेस की। अब जब ऑफिशियल डिमांड बन गई तो अंग्रेज़ों ने तो पहले ही अपना 1935 का एक्ट दिया था, जिसको कि वो हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसमें ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था इंडिया के लिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। जैसे कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इंडिया इंडिया के लिए, वो बनाया था 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, जो कि अंग्रेजों ने बनाया था बाय ब्रिटिशर्स। जो भारत की एक सोवरेंटी थी वो तो छीनी जा रही थी, जिसके लिए भारत के जो दिग्गज नेता थे उन्होंने भारत के अपने संविधान के लिए मांग उठाना शुरू कर दी, जिसको कि बाद में 1946 में अंग्रेजों द्वारा वेवेल प्लान द्वारा अपना लिया गया था, एक्सेप्टेड डिमांड टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि 6 दिसंबर 1946 को बन गई थी। अब पहली मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, पहली मीटिंग हुई थी जिसमें कि सच्चिदानंद सिन्हा, इनको बनाया गया था टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। अब ये जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, भारत को एक परमानेंट प्रेसिडेंट चाहिए था, जिसके लिए दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। अब ये दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो सच्चिदानंद सिन्हा को हटा के बना दिया गया अब राजेंद्र प्रसाद को भारत का परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया।
परमानेंट प्रेसिडेंट। अब 9 दिसंबर को चुन लिया गया परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसके बाद जो है 13 दिसंबर 1946 को एक और मीटिंग हुई थी इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कि 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी 3 दिन बाद, फिर अगली मीटिंग जो थी 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हुई थी, फिर अगले 2 दिन बाद मतलब 2 दिन बाद और अगले 2 दिन बाद पंडित नेहरू ने एक रेजोल्यूशन दिया था जिसको कि हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन जिसको कि मॉडिफाइड करके भारत का प्रीएम्बल बना दिया गया। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था, तो इसका आंसर आएगा पंडित नेहरू ने। अब क्यों क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जो ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वही हमारा आज का प्रीएम्बल है। मतलब प्रीएम्बल को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मॉडिफाई करके भारत के संविधान का प्रीएम्बल बनाया गया था। अब वापस आते हैं अपने संविधान पे। जैसे ही भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, मतलब अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी भारत को 15 अगस्त 1947 को, उसको मतलब 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को भारत की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया बाय इंडियंस। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो बनाए गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब ये आइडिया किसने दिया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हेड बनाने का, वो दिया था मोहनदास करमचंद गांधी ने। मोहनदास करमचंद गांधी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाने का आइडिया दिया था, क्योंकि भारतीय संवैधानिक सभा में एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे जिन्हें कानून की सबसे ज़्यादा समझ थी। ठीक है, अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सहायता के लिए एम एन रॉय को ड्राफ्टिंग कमेटी का लीगल एडवाइज़र बनाया गया। अब एम एन रॉय को लीगल एडवाइज़र बना दिया गया। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पहला ड्राफ्ट दिया था लखा का, वो किया था फरवरी 1948 में। अब इसके टोटल 3 खाके तैयार हुए थे। दूसरा खाका दिया था वो कब दिया था, वो दिया था अक्टूबर 1900। फाइनल ड्राफ्ट था वो कब तैयार हुआ था, वो हुआ था आपका नवंबर 4, 1948। अब 3 खाके हो गए थे तैयार। पहला जो था वो हुआ था, पहला ड्राफ्ट हुआ था फरवरी 1948 में, दूसरा अक्टूबर 1948 में, तीसरा नवंबर 4, 1948 में। अब जो तीनों ड्राफ्ट तैयार हो गए थे, अब इनको रीड करना था, तो इसके लिए 3 ही रीडिंग्स चली थी। क्योंकि रीडिंग क्यों जरूरी होती है, क्योंकि अगर संविधान के खाके में या ड्राफ्ट में कोई कमी रह गई है वो पूरी संसद के समक्ष रखी जाती है। मतलब रीडिंग में जो संविधान तैयार किया गया है संविधान निर्माताओं द्वारा उसको पढ़ा गया था, इसके लिए 3 रीडिंग हुई थी, ताकि जिसको भी कुछ भी कमी लगे वो पॉइंट आउट कर सकता था और उसको संविधान निर्माताओं द्वारा ठीक भी किया गया। तो पहली जो रीडिंग चली थी
मतलब फर्स्ट रीडिंग, वो जब तीसरा खाका तैयार हुआ था उसी दिन से शुरू हो गई थी, मतलब नवंबर 4, 1948 से 5 दिन चली थी ये, 9 नवंबर 1948 तक। अब दूसरी रीडिंग जो चली थी वो 6 दिन बाद 15 नवंबर 1948 से लेके एक साल तक, लगभग एक साल तक, 17 अक्टूबर 1949 तक चली थी। अब जो तीसरी रीडिंग थी वो चली थी 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949। अब ये डेट लगभग मैक्सिमम सभी लोगों को पता होनी चाहिए। 26 नवंबर को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इसने संविधान को अडॉप्ट कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। अब जब अडॉप्ट किया था उस समय हमारे संविधान में थे 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था तो संविधान सभा में लगभग 300 से ज़्यादा कैंडिडेट थे, उसमें से 299 डेलीगेट्स जो थे उन्होंने संविधान के ऊपर अपनी अनुमति दी थी, जिसके बाद हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू हो गया था। अब इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि जब हमारा संविधान को संवैधानिक सभा में सभा ने अडॉप्ट किया था तो उस समय 14-15 आर्टिकल जो है वो लागू कर दिए गए थे, जिसमें से थे 5, 6, 7, 8, 9, 60 364, 366, 367, 379, 380, 388 और 391, 392